मैं बार कौंसल का दो दफा मेंबर रहा हूँ, वाइस चेयरमैन भी रहा हूँ। ये मैं 94 की बात है, 98 में मैं वाइस चेयरमैन था। यकीन करें बार कौंसल के हालात नहीं थे जो आप जिस लहज में आप बार कौंसल आ चुके। और मैं ये समझता हूँ कि कसूर हम लोगों का है जो हम वोट देते वक्त ये नहीं सोचते कि किस शख्स को वोट दे रहे हैं, वो आया इस कैलिबर का है, आया वो प्रोफेशनलिज्म पर यकीन रखता है कि नहीं रखता। और बतौर खास ये जो बार काउंसिल है, ये जो रेगुलेटिव बॉडी है, इसमें 5 साल के लिए हम मेंबर को करके भेजते हैं जिन्होंने हमारे रूल्स रेगुलेट करने हैं, जिन्होंने सारे डिसिप्लिन एक्शन लेने हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए आपको सोच समझ के अपना वोट कास्ट करना होगा। या जो जमात साहब जैसे लोग जो प्रोफेशनल भी हों, ऑनेस्ट भी हों, आप सही नुमाइंदगी कर सकें। आपके हालात आपके सामने हैं। आज कल जो बार काउंसिल में हो रहा है या बार एसोसिएशन में हो रहा है, बार लैंड माफिया आ गया। सही मानों में अगर आप देखें तो वो लैंड माफिया हमारे इस नुमाइंदे बने हुए हैं जिनको आप नौजवानों से कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप लोगों का मुकदर संवारें, आप लोगों के लिए कोई काम करें, कोई आपके लिए ऐसे ताकि आप काम शुरू करें।